आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा दियो, 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएंगे और फिर आपके बीच में विकास कार्य करेंगे। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आने वाले 5 तारीख को आप चुनाव है और 5 तारीख को आप कमल का फूल वाला बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को। नामांकन करने के लिए निकले हैं, जिसमें देख लीजिए हुजूम, आप पूरे का पूरा हुजूम है। सुबह हवन यज्ञ किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करेगी। रणधीर परिहार नड़वा से प्रत्याशी और कुलदीप बिश्नोई खुद यहाँ पर रणवीर गंगवा का जो नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पहले जनसभा की गई, जनसभा के अंदर लोगों को संबोधित किया गया, उसके बाद में ये पूरा का पूरा काफिला रोड शो के साथ में नामांकन के लिए निकला हुआ है और पूरा का पूरा रोड है दोनों तरफ से जाम कर दिया गया है। ये हालात देख लीजिए आप। भाजपा से बरवाड़ा प्रत्याशी रणवीर गंगवा अपने नामांकन के लिए निकले हैं और माहौल देख लीजिए आप, क्या माहौल है, गजब का माहौल बना हुआ है। हाँ जी, कहाँ से पहुंचे हो? अशोक जगड़िया नड़वा हल्का से, सपोर्ट करने के लिए फुल के लिए आए। अपने रिश्तेदारी है बहुत जी। अच्छा, रिश्तेदारी बहुत है, बहुत रिश्तेदारी है। क्या लग रहा है बरवाड़ा में, क्या करोगे इस बार? बरवाड़ा लगे की आन बान और शान श्री रणवीर गंगवा, बिल्कुल जीतेगा भाई। क्या करना चाहोगे? हम तो रणवीर गंगवा के मदद करेंगे और जिताएंगे, जिताएंगे, दंगे की चोट पर जिताएंगे, बिल्कुल जीतेगा। नड़वा से पहुंचे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए और माहौल देख लीजिए, हल्के से लाइव तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं। रणवीर गंगवा अपने नामांकन के लिए निकले हैं और सामने देख लीजिए पूरा का पूरा रोड दोनों तरफ से ब्लॉक हो चुका है। बरवाड़ा में रणवीर गंगवा की लाइव तस्वीरें, नामांकन की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ में रणधीर सिंह धीरू थोड़े नाराज चल रहे थे भाजपा से, कुछ टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिल पाई उनको और आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। गंगवा साहब बिल्कुल मुस्कुराकर लोगों के माला डालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी हैं और गंगवा साहब पूरा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस बार को लेकर। ये माहौल आप देख रहे हैं बरवाड़ा हल्के की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बरवाड़ा हल्के से लाइव तस्वीरें आप यहाँ सर देख रहे हैं। जी सर, क्या माहौल रहने वाला है? बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गंगवा साहब कितने वोटों जीते? कम से कम 30-35 हजार वोटों जीते, बिल्कुल। राम राम, राम राम। बात बनेगी बात इस बार? पूरी बात बनेगी, पूरे हरियाणा में बनेगी और जो मैं लहर देख रहा हूँ बरवाला नहीं पूरे हरियाणा में कमल खिलेगा। ये नजारा आप देख रहे हैं बरवाड़ा हल्के से, बरवाड़ा हल्के से। हाँ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। गंगवा साहब के बारे में बहुत अच्छे इंसान है, लोगों के मन में बस गए, अरे मारो मन में बस गए जो है। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है। देश के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी, माना जाए सारे मुख्यमंत्री बनेंगे और गंगवा साहब जो है हमारे हल्के से बिल्कुल विधायक जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। मंत्री बहुत बड़े आदमी है, लोगों के मन में बस रहे हैं। तो ये जो माहौल बना है जिससे लेकर क्या लग रहा है इस बार जीत एक तरफा लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं गांवों में भी साथ गया हूँ, पहले भी साथ गया हूँ, मैं बहुत लोगों से राजनीति देखूँ, मेरा तजुर्बा इस बात का कि जब लोग होते ही लोग जीत जाते हैं, इनके अंदर भाव है। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल है इस बार?
माहौल एक तरफ है डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का, 50,000 वोटों से जीतोगे है। मतलब इस बार मतलब नड़वा छोड़ के बरवाड़ा पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एक विरोध भी था शुरू में, अब क्या लग रहा है विरोध नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई विरोध नहीं है, नड़वा हल्के में पूरा विकास कार्य कर रहा है। यही मेरी इच्छा इच्छा है बरवाड़ा हल्के में इस 21 काम कराएंगे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, 50,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे गंगवा साहब के बारे में? गंगवा साहब जो है हरियाणा विधानसभा के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है और इस बार तो बरवाड़ा से 100% विजयी होंगे। वोटों की जीत अच्छी भारी मतों से जीतेंगे, ये कोई कंफर्म है हमारा ये, और अब की बार ये गारंटी लेते हैं कि 10 साल से निकला था और कमल निकला होगा इस बार। कांग्रेस का अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, क्या लगता है क्या होता है मान? उसका कोई मुकाबला नहीं है हमारे सामने आज के माहौल को देखते हुए। आपको क्या लगता है कोई भी आ जाओ उसके सामने कोई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजनीति संघर्ष बहुत ज्यादा रहा है रणवीर गंगवा जी का, और मैं मानता हूं कि उनके साथ मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट आ जाए हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी तरफ से, एक तरफा माहौल। ये लाइव तस्वीरें, लाइव नजारा है बरवाड़ा शहर से, आप देख रहे हैं बरवाड़ा हलके का भाजपा प्रत्याशी रणवीर गंगवा अपने नामांकन भरने के लिए निकले हैं यहाँ से। ये नजारा आप देख लीजिए, दूर तक जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ के रोड जो है जाम हो चुके हैं। जी क्या माहौल रहेगा? हाँ जी, क्या रहेगा इस बार माहौल? गंगवा जी का रहेगा, गंगवा जी का रहेगा। हाँ जी, क्या क्या करके छोड़ोगे इस बार? हाँ जी, कांग्रेस से अभी तक टिकट भी नहीं निकाली है, क्या लग रहा है? डर गए ना अपने आप से, डर गए वो, डर गए। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से पहुँचे हो? बरवाड़ा से। हाँ जी, बरवाड़ा से। हाँ जी, प्रॉपर। क्या लग रहा है? एक तरफा नड़वा से गंगवा साहब यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी, शोर है जी, शोर है जी एकदम। जो लोकसभा में रिजल्ट आया था उससे कितना ज्यादा वोट आएंगे? उससे तो बहुत ज्यादा आएंगे जी, बहुत ज्यादा आएंगे। चलो चलो, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बरवाड़ा हलके से, पूरा का पूरा जो है रोड दोनों तरफ से जाम हो चुका है। बरवाड़ा हलके में आज गंगवा साहब का नामांकन था और कुछ महिलाएं मेरे साथ में हैं। जी कहाँ से पहुँचे हो? नड़वा साहब, बरवाड़ा से आए। बरवाड़ा से आए, तो क्या लग रहा है इस पर गंगवा साहब? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया है, इंसान कैसा है? बहुत बढ़िया, कभी काम वाम आया है? हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है बरवाड़ा से सीट कंफर्म मान के चले? कंफर्म, फूल खिलाएंगे, बहुत फूल खिलाओगे? फूल खिला के मानोगे? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी महिलाओं का ग्रुप आपका? 50 महिला है। 50 महिलाओं का ग्रुप है, तो गंगवा साहब के साथ ही रहते हैं आप लोग स्पोर्ट के अंदर? हाँ जी। कहाँ, आप कहाँ से पहुँचे? बचपन से। हाँ, बचपन से। अच्छा, और क्या, गंगवा के साथ ही रहते हैं? कहाँ से हो आप? बरवाड़ा से हो, नड़वा से हो? हम बरवाड़ा से। बरवाड़ा से? हाँ जी। काम कुम करवाए कभी? हाँ, बढ़िया। हाँ, कराए भी। आज नामांकन करवा दिया, तो अब जीत और मेहनत करोगे? हाँ जी, करेंगे, करोगे मेहनत? और क्या लग रहा है? करेंगे, क्या भारी से जिताएंगे, भारी पट्टा से जिताएंगे। हाँ जी, कहाँ से हो आप? बरवाड़ा से जी। बरवाड़ा से हो? 19 वार्ड से। अच्छा, 19 नंबर वार्ड से। हाँ, तो किसके लिए पहुँचे यहाँ पे आज? आप हम फूल के निशान पे। फूल के निशान पर? हाँ जी। तो कौन खड़ा है फूल के निशान पे? रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा। हाँ, क्या लग रहा है कितने वोटों जीतेंगे? अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद जी, फूल का गुलाब का खिलाएंगे हम। अच्छा, गुलाब का नहीं कमल का फूल खिलाएंगे? हाँ, कमल का, गुलाब हो गया, कमल हो गया, चल कोई नहीं, जीतेगा भाई, जीतेगा रणवीर गंगवा, जीतेगा बरवाड़ा हलके से। नारे लगाओ दाब के, नारे लगाओ दाब के, बटन दबाओ कमल के फूल पे। बहुत अच्छे आदमी है जी, बहुत अच्छे मेरे देवर, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बारी काम करता है, बहुत बढ़िया, कितना बच्चा दे के नहीं गाड़ी रोकता है, रात में 2 बजे तक वेट करता है, बहुत अच्छे है, बहुत बारी वोटो से जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। वोटिंग होने वाली है, वोटिंग के